लालू यादव की बेटी मीसा भारती के पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। मीसा भारती के बयान के बाद भाजपा के नेताओं ने लालू परिवार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश की है। ऐसा पहली बार नहीं है कि विपक्ष ने पीएम मोदी पर निजी हमले किए हों। हाल ही में विपक्ष की रैली में लालू यादव ने कहा था, पीएम मोदी का कोई परिवार नहीं है, और ठीक इसके तुरंत बाद भाजपा ने मोदी का परिवार कैंपेन शुरू कर दी। अब लालू यादव ने जो गलती की वही उनकी बेटी मीसा भारती ने दोहराया है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश चौधरी है। आप विस्तार न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले कि आपको बताएं कि पूरा माजरा क्या है, लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का यह बयान सुनिए। नहीं नहीं, जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हो। आपने सुना कि मीसा भारती ने साफ साफ कहा है, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के नेता तक जेल में होंगे। अब इस बयान के बाद भाजपा वाले कैसे चुप रहे? भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक ने क्या कहा है, जरा देख सुन लीजिए। अरे 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 मीसा जी, बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, हैं? बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। अभी तो सिर्फ बिजवासन का फार्म हाउस सीज हुआ है ना आपका, और दो चार प्रॉपर्टी और सीज हुई है। कहाँ से आई? कुबेर भगवान ने दिया होगा, है ना? कुबेर की कृपा तो लालू परिवार पे ही और उनके पुत्र पुत्रियों पे बरसती है। सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री और सब भाजपा के नेता सहयोगी नेता जेल चले जाएंगे। अरे बाप, क्या मंसूबे हैं, क्या सपने हैं, क्या मुंगेरी लाल है। दिन में भी ख्वाब दिखता है क्या सरकार बनने के? एक काम करिए, ये इंडियों की जहाँ जहाँ गठबंधन की सरकार है ना, वहाँ भाजपा नेताओं को जेल में डालिए जो जो भ्रष्टाचार किए हुए हैं। इस देश में कानून का राज है, कानून पे ही चलेगा, और जो भ्रष्टाचारी है वो बचेगा नहीं। जिस तरह आपके पिताजी कन्विक्ट हुए, अपने नंबर का इंतज़ार कीजिए, बचेगी तो आप भी नहीं। नौकरी के बदले ज़मीन ले लेके यहाँ परिवारवाद का नंगा नाच कर रही हैं और प्रधानमंत्री को ज्ञान दे रही हैं किस पे बोलना चाहिए किस पे नहीं बोलना चाहिए। छटपटाहट समझ में आ रही है, लेकिन क्या करिएगा, चलिए सहानुभूति है। नीच, चाय वाला, मौत का सौदागर, जहरीला सांप और ना जाने क्या क्या। विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर जब जब टिप्पणी की, इसका नुकसान भी जमकर उठाया। विपक्ष यह समझ ही नहीं पाता कि निजी हमले को पीएम मोदी कैसे अपना कवच बना लेते हैं। यह तो कोई नहीं मान सकता कि विपक्षी नेताओं को पीएम मोदी की वाक क्षमता का पता नहीं हो। विपक्ष को इसका काफी अनुभव है कि जनता से सीधे संवाद बनाने में माहिर पीएम मोदी को जब भी अवसर मिलता है तो दूसरों की जमीन खाली हो जाती है। अब देखना यह है कि मीसा के बयान को बीजेपी कैसे चुनावी मुद्दा बनाती है और चुनावों में कैसे गुल खिलाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीसा और लालू यादव ने ही पीएम मोदी पर निजी हमले किए हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीनियर कांग्रेस नेता डॉक्टर चरण दास महंत ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने पीएम मोदी के सिर को लेकर एक सभा में ऐसी बात कह डाली जिससे बवाल मच गया था, जरा सुनिए। एक संरक्षक चाहिए अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते थे तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी मन सिधवा सार हुए और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते हैं। सी लाठी धर नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फिट हस एक बार तोर पर प्रार्थना करता हूँ,
आप सब वोट देवा और बुहारी बहुमत से जितावा, इसके प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर छत्तीसगढ़ में भी भाजपाइयों ने आक्रामक रवैया अपनाया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने जवाबी हमला करते हुए कहा था, हिम्मत है तो पहले लाठी उन्हें मारे। इसके बाद महंत ने अपने बयान के लिए माफीनामा भी जारी किया था। ऐसे ही बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा है। कवासी लखमा का एक बयान फिर से चर्चा में बना हुआ है। कांग्रेस के नेता व प्रत्याशी कवासी लखमा ने इस बार पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की है। कवासी लखमा ने लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान पीएम मोदी को लेकर कहा कि इस चुनाव में कवासी जीतेगा, मोदी मरेगा। कवासी के इस बयान के बाद भाजपा ने नाराजगी जताते हुए कवासी लखमा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। चुनाव से जुड़ी रोचक कंटेंट के लिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।